नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथालोक में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। इस समय सेहत का ध्यान ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा, आपका सबसे बड़ा मुकाम है जो आप हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी 888 ने सेम पेट जारी कर दिया है, जैसे शिक्षा विभाग से टेट आता है उसी हिसाब से पेट है। ये पेट जब मैंने सुना तो मुझे अपना याद आ गया, क्लास 10th और 12th का एग्जाम हमारे बंगाल बोर्ड में क्या होता था कि बोर्ड एग्जाम के पहले एग्जाम होता था दिसंबर में सेंटअप। सेंटअप एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता था कि जिसमें जो बच्चे पास करते थे वही बोर्ड दे पाते थे, जो फेल वो फेल, उनको कोई चांस नहीं, कोई सप्लीमेंट्री नहीं, कुछ भी नहीं, वो फेल मतलब फेल। तो उस समय ऐसा था कि बोर्ड एग्जाम पास करना था, 100% रिजल्ट बनता था। लेकिन इस बार आपको सोने पे सुहागा मिला है मेरे दोस्तों, सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्या मिल गया? देखिए, क्लास 10th के लोग प्रमोट हो गए, क्लास 12th के लोग प्रमोट हो गए, वो प्रत्येक विद्यार्थी अब सक्षम है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्लास 10th ही तो मांगा है मिनिमम पास, ठीक, वो प्रत्येक विद्यार्थी सक्षम है अब एग्जाम को भरने के लिए, जिसको यह डर लग रहा था कि 10वीं पास करेंगे कि नहीं, 12वीं पास करेंगे कि नहीं। चेहरे पर खुशी की लहर अगर कहीं पर निगेटिव होता है तो निगेटिव से ज्यादा वहां पर पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं, अगर आप उन पॉजिटिव चीजों को पकड़ने का प्रयास करिए। अब हो सकता है कोई अगर इंटर पे फेल हो जाता, ईश्वर ना करे कोई क्लास 10th फेल हो जाता, तो फिर बेचारा एक साल इंतजार करता। आपके पास वो सुनहरा मौका है, आप सभी विद्यार्थियों के पास, कि आप अब सीधा उस एक कठिन एग्जाम को, जैसे घर वाले कहते हैं ना कि कच्चा 10वीं 12वीं पास कर लेबा ना भैया तो कल्याण हो जाए, सेम चीज आप खुद ब खुद पास हो गए हैं। इस कोरोना ने बहुत निगेटिव दिया लेकिन कई सारे विद्यार्थियों को पॉजिटिव दिया, कई सारे विद्यार्थी इस वजह से भी नहीं पढ़ पाए होंगे, जिनकी कुछ समस्याएं भी रही होंगी, पारिवारिक समस्याएं रही होंगी, बीमारी की समस्याएं रही होंगी, तो सभी लोग पास हो गए हैं। तो अब आप ये सोचिए कि मेरा 10th और 12th की जो मेहनत है वो मैं यहां लगा दूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। सारी की सारी मेहनत आपको इस पे करनी है दोस्त। ये सुनहरा मौका ईश्वर बार बार नहीं देता क्योंकि ईश्वर के पास इतना समय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा एक बैच प्रारंभ किया गया यूपी 888 पेट का, जिसको निर्माण बैच नाम दिया गया है। निर्माण माने आपका, निर्माण माने आपकी नौकरी का, निर्माण माने आपकी सफलता का, और ये आपके हाथ में है कि आप इसका कितना लाभ उठा सकते हैं। और हमारी संस्था में जैसे आप जानते हैं निर्माण बैच का जो टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको दे दिए जाएंगे। और इस बैच की खास बात क्या रखी गई है, जो विशेषताएं हैं, कि प्रतिदिन आपकी लाइव क्लास होगी, ठीक है, उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन होगा। जब प्रतिदिन लाइव क्लासेस होंगी तो लाइव डाउट सेशन तो क्लास में ही हो जाएगा, लेकिन अलग से भी रख दिया गया एक, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पुराने टॉपिक्स में डाउट हो तो वो आके जुड़ सकते हैं। उसके बाद मैराथन है, टेस्ट सीरीज है और प्रैक्टिस सेट है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है, वो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मतलब कि जैसे हम कोई टॉपिक अगर खत्म करते हैं और उससे जुड़े हुए 10 से 15 प्रश्न अगर हम कर देते हैं तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं किस हिसाब से प्रश्न आएगा। और प्रत्येक तैयारी करने वाले छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, छात्र छात्राओं से भी ये कहना चाहता हूं, जो कि जिनको मैं दोस्त कहकर संबोधित करता हूं, क्लास 10th के लेवल की बात कही गई है, ठीक है, एकदम डरना नहीं है। यूपी 888 का एग्जाम है, एकदम लाइटली प्रश्न आते हैं जो आपको सिलेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इस बैच से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, वही पुरानी प्रक्रियाएं हैं, व्हाट्सएप लिखकर एंट्री लिखना है व्हाट्सएप पे, ठीक है, एंट्री पेट 2021, ठीक, और आपको इस पर व्हाट्सएप कर देना है। और बाकी बैच से रिलेटेड कोई भी समस्याएं होंगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो हमारे सहयोगी हैं वो हमेशा लगे रहते हैं आपकी सहायता करने के लिए। खैर, इन बातों को हटाते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सिलेबस के बारे में, तमाम चीजों के बारे में संबोधित किया गया है, और मैं इतिहास का अध्यापक हूं, एक सुनने के बाद कई लोगों को लगता होगा कि क्या कहते हैं कि अरे यार इतिहास पढ़ेंगे,
कुदरत का खेल है जिससे हम डरते हैं, कुदरत उसी से हमें खेलने को मजबूर करता है। कुदरत का खेल है, हम जिससे डरते हैं कुदरत उसी से खेलने को मजबूर करता है, क्योंकि कुदरत हमें मजबूत मजबूत और बहुत मजबूत करता है। आप जानते हैं इतिहास का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है, उसने दो अलग अलग पोर्शन में बांट दिया है। इतिहास के सिलेबस की बात की जाए, पहले आप सिलेबस को थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा सिलेबस को आपको समझना आवश्यक है। रीजन इसलिए है सिलेबस को समझना आवश्यक है कि देखिए, जब कई लोग जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं कि सर ये टॉपिक छूट गया, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये टॉपिक क्यों नहीं आया। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, और अगर उसने सिलेबस को बांटा हुआ है, अगर उसने सिलेबस को दिया है, तो लॉजिक सी बात है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपसे प्रश्न पूछेगा। जैसे कि देखिए, पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, रहना अनिवार्य है। हम लोग बचपन से ही, क्लास 5-6 से ही या 4 से भी आने लगा है आजकल थोड़ी थोड़ी बातें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति, ये बहुत जरूरी है, जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक हम खुद को पहचान नहीं सकते। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में देखिए बड़ा अच्छा मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा समझने का, सिलेबस को समझ जाए। देखिए सिलेबस समझ गए तो पढ़ाई ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी, और पढ़ाई ऑटोमेटिक अगर आसान हो गई तो लॉजिक सी बात है सफलता आपके हाथ में है। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं, जीवनी मतलब माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, कहां गए, घर द्वार कैसे छोड़े, कैसे ज्ञान वान मिला। अब ज्ञान मिला तो ज्ञान तो भैया प्रचारों करेंगे, ये उनके ज्ञान का प्रचार, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में। सेम महावीर स्वामी के बारे में, मतलब आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनके जीवन के बारे में और उनकी शिक्षाओं के बारे में उन्होंने कौन सा ज्ञान दिया आपको। मौर्य वंश में केवल सम्राट अशोक के बारे में जानना है, महानतम शासक था अशोक आदि ग्रेट, अशोक के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में, और उससे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा अशोक के शिलालेख और अभिलेखों के बारे में। 5 नंबर आना है पहले पोर्शन से, 5 नंबर से आना है दूसरे पोर्शन से, 10 नंबर टॉपिक 15 से 20। तो वो जरूर ये प्रयास करेगा 10 नंबर में से एक दो सवाल ऐसे टिपिकल देने से जो आपके दिमाग को घुमा दे। तो अशोक के शिलालेख की जो खास बातें हैं वो थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करती हैं, कई जगह कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। तो मौर्य वंश में किस, सिर्फ और आपको सम्राट अशोक, इसको दिमाग में छाप लीजिए इतिहास पढ़ने से पहले। नहीं तो फिर होगा कि सर चंद्रगुप्त मौर्य नहीं पढ़ाए, सर बिंदुसार नहीं पढ़ाए, सर मगध का उत्कर्ष नहीं पढ़ाए, सिलेबस में है ही नहीं। तैयारी करने वाला छात्र वो नहीं होता है जो अंधाधुंध पढ़ता है, तैयारी करने वाला छात्र वो होता है जो समझ के पढ़ता है। मेहनत गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन घोड़ा फिनिश लाइन को पार करता है, गधा केवल गधा ही रह जाता है। तो आपको मौर्य वंश में सम्राट अशोक, पहले दिमाग में इसको छाप लीजिए, फिर आज हम जो टॉपिक उठाएंगे, छोटे छोटे टॉपिक उठाना है उसको खत्म कर देना, आज छोटा सा टॉपिक उठाएंगे हर्षवर्धन। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में केवल पढ़ना है, और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम तो ये टॉपिक समाप्त कर देंगे हर्षवर्धन, ठीक, छोटा सा टॉपिक है हर्षवर्धन, आज समाप्त कर दिया जाएगा। सिलेबस को दिमाग में बैठा लेना दोस्तों, मैं पहले ही आपको कह दे रहा हूं, ठीक है, सॉरी, सिलेबस को दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे का चलते हैं, राजपूत काल। राजपूत काल में हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर पूरा पढ़ना पड़ेगा प्रतिहार गुर्जर तमाम। राजपूत काल में जनरली आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, राणा सांगा के बारे में, ठीक है, गढ़वाल वंश के शासकों के बारे में ये जानना है। सल्तनत काल मतलब पूरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और उसके साथ साथ सैयद और लोदी वंश। मुगल साम्राज्य, पूरा मुगल साम्राज्य में दो टॉपिक स्पेशली ध्यान देना होगा, एक अकबर, दूसरा औरंगजेब, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक हैं मुगल साम्राज्य के, ये परिवर्तन वाले काल माने जाते हैं, और परिवर्तन वाले काल से ही जुड़े हुए प्रश्न क्या है आपको पूछ सकता है। मराठा है, मराठा में शिवाजी के बारे में, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई टॉपिक नहीं बनता। ब्रिटिश राज्य का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब 1857 की क्रांति, और ब्रिटिश राज्य का स्थायित्व तो कैसे हुआ, कैसे उसने बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया, पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को पराजित किया, ठीक है, वांडीवास के युद्ध में कैसे फ्रांसीसियों को पराजित किया, और बक्सर के युद्ध में कैसे उसने मतलब त्रिकोणी जो सम्मिलित सेना थी तीन लोगों की, जिसमें सुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे,
उनको पराजित करके संधियां करके कैसे अपने राज्य का उदय किया और इनके राज्य के उदय का प्रभाव आगे चलकर 1857 की क्रांति को हुआ। और 1857 की क्रांति से एक प्रश्न अवश्य आपके एग्जाम में रहेगा, आज इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव, ठीक यहां पर यह लाइन पढ़ते वक्त कई लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर इसमें क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव में जिसमें समाज सुधार के बारे में बात किया जाएगा जैसे राजा राम मोहन राय, आर्थिक में जैसे डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी हो गई, जैसे तमाम छोटे छोटे विद्रोह हो गए, उन सब बातों के बारे में जानना है। इन दोनों टॉपिक को हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कंक्लूड कर दे रहे हैं, बाकी जो ऊपर के टॉपिक है उस पर 3 या 4 सवाल आने हैं, उस 3 सवाल आएगा बस मेरे हिसाब से, ठीक है, बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस तो हर टॉपिक का किया जाएगा। अब सिलेबस का इसने जो दूसरा पोर्शन किया है मेरे दोस्तों, उसको थोड़ा सा देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर ये चाहते तो एक साथ लिख सकते थे, ठीक है, अगर ये चाहते तो एक साथ सिलेबस को लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया ताकि जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि हमें कितना पढ़ना है और किस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब दांडी मार्च, जिसमें दांडी मार्च में महात्मा गांधी थे, अन्य नेताओं की भूमिका भी थी, जैसे आपके क्या कहते हैं सी राजगोपालाचारी हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, नेहरू हो गए, इन लोगों की भी भागीदारी क्या थी। क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक, तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, मतलब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन तमाम लोगों के बारे में पढ़ना है। 1935 के अधिनियम के बारे में पढ़ना है जिससे संविधान सभा के गठन की, मतलब जिसमें अनुच्छेद अनुसूचियां तमाम चीजें आई। उसके साथ साथ सिलेबस को हम इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सिलेबस दिमाग में बैठा लीजिए, 10 नंबर कम नहीं होते हैं, 10 नंबर कम नहीं होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आपका इतना सा सिलेबस है, 10 नंबर कम नहीं होते, इसलिए मैं आपको ये बातें कह रहा हूं, आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ये चीज बताना चाहता हूं आपको कि इस फॉर्म को हो सकता है जो इस बार नए लोग पास हुए हैं वो भी डालें, वो तो अवश्य ही डालेंगे, और हो सकता है कि वो लोग भी डालें जो पिछले 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो इस माइंड के डेवलप को, हमें माइंड को, अपने स्टेटस को, अपने काम को, पेशेंस को इस प्रकार लेके चलना है कि अगर कोई 15 साल से तैयारी कर रहा है तो वो घास नहीं छील रहा है, वो आईएएस पीसीएस भी दे चुका होगा, तो हमें उनको कैसे वीट करना है, इसीलिए हर पोर्शन पर फोकस करना आवश्यक है। हर एक नंबर आपके लिए उसी प्रकार बहुमूल्य है जिस प्रकार एग्जाम में एक नंबर आने से एक साल रुक जाता है, और उसी प्रकार एक नंबर नहीं आएगा तो एक साल बर्बाद हो जाएगा। घर में जाइए, गेहूं बोया, चावल बोया, उसके बाद काट के खाए सोया, कुछ नहीं मिलेगा, मौका मिला है इस्तेमाल करिए। सिलेबस को समझाने के बाद आज जो हम टॉपिक उठाए, हमने आपसे कहा एक छोटा सा टॉपिक हमने उठाया है, और वो टॉपिक कौन सा है, हर्षवर्धन। एकदम आराम समझिए, थोड़ा सा तरीका बदला हूं, अच्छा सा समझ में आएगा आशा करता हूं, ठीक है। और देखिए एक और चीज, कोरोना काल में भी हम जब भी क्लास लेते थे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स को लेकर चलते थे, निगेटिव वाइब्स से हमारा कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि अगर हम निगेटिव सोचते रहेंगे तो हमारा दिमाग जो है ना वो एकदम इतना तित्तू सा तो है, दग जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है, रोज ये सोच के सोइए, यार मेरा पेट का एग्जाम है, मैं सफल हो जाऊंगा। 15-20 दिन सोच लीजिए गौरव पांडे के कहने से, अगर 21वें दिन वो आपको फीलिंग नहीं आएगी यार हम पेट क्वालिफाइड है, तो आप बताइएगा, तो जो मुझे पर ताव है मेरा उसको मैं हटवा दूंगा। आइए हर्षवर्धन, जनरली देखिए मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का शासक था, और इसको हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं क्योंकि प्रत्येक लोगों ने अपने नाम के आगे वर्धन वंश को जोड़ा था। पुष्यभूति वंश की जानकारी जैसे है वो बाणभट्ट के हरचरित से मिलती है, कादंबरी से मिलती है, आर मंजूश्री कल्प से मिलती है, एक बौद्ध ग्रंथ है, तमाम चीजों से। तो ये जो पुष्यभूति वंश था या वर्धन वंश था, इसकी स्थापना
हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। हरियाणा का करनाल जिला जो कि अभी वर्तमान में वो दुग्ध अनुसंधान केंद्र के लिए बहुत ही ज्यादा भारत का एक प्रमुख केंद्र है, प्रसिद्ध है, पूछा भी जाता है कि भारत का प्रमुख दुग्ध मतलब डेयरी प्रोडक्शन इंडस्ट्री या दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो हरियाणा के करनाल जिले में है। उसके साथ साथ इसकी स्थापना के बारे में पहले बहुत सारे विवाद थे। कुछ लोग कहते थे इसकी स्थापना प्रभाकर वर्धन ने किया है, कुछ लोग कहते थे इसकी स्थापना पुष्यभूति ने किया है। लास्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की है। सुनते जाइएगा दोस्त, पुष्यभूति के बाद इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना गया वो था प्रभाकर वर्धन। देखिए सिलेबस में दिया नहीं है पर हर्षवर्धन कहां से निकल गया ये तो बताना पड़ेगा ना, कहां था कि इसे मतलब भगवान कह लो हर्षवर्धन जाओ और तुम जाके शासन करो, ऐसा तो है नहीं। प्रभाकर वर्धन जब आया तो प्रभाकर वर्धन को पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया। वास्तविक संस्थापक इसके दो ठो लड़के थे, एक था राजवर्धन एक था हर्षवर्धन, एक ठो लड़की थी राजश्री। ठीक, राजश्री मत समझ लीजिएगा, राजश्री। ठीक है, राजश्री का जो विवाह हुआ था वो मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। चलो विदाई उदाई कर दी, बिटिया का ब्याह करके विदा कर दिया। हुआ क्या कि वहां पर क्या था कि बंगाल का एक शासक था गौड़ वंश का, उसका नाम था शशांक। शशांक ने देवगुप्त के साथ मिलकर, देखिए उसका नाम देवगुप्त था, गुप्त वंश रिलेशन नहीं है, देवगुप्त के साथ मिलकर उसने क्या किया कि राजश्री के पति की हत्या कर दी। ठीक, राजश्री विधवा हो गई और उस समय जो विधवा होते थे उनको सती का मतलब सती प्रथा का पालन करने था, सती प्रथा का उनको पालन करना पड़ता था कि भाई पिता के सॉरी पति के आग में बैठ के जल जाना। पर बहन है, बहन का मोह हर भाई को होता है, रक्षाबंधन भी आने वाला है कुछ महीने बाद। राजवर्धन को कहा कि यार मैं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी को अपनी बहन को बचाऊंगा। ठीक, राजवर्धन गया, उसने क्या किया देवगुप्त को तो पराजित कर दिया राजवर्धन ने, लेकिन शशांक ने धोखे से उसकी हत्या कर दी राजवर्धन की। और उसने क्या किया, इसको कैद कर लिया, किसको, राजश्री को। हर्षवर्धन थानेश्वर में बैठे हुए थे, उनको न्यूज पहुंची। ठीक है, कि न्यूज पहुंची कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आपके भाई को मार दिया गया है। और उनको एक और न्यूज मिली, उनके एक ममेरे भाई थे भांडी, ठीक है भांडी नाम था, भांडी ने बताया कि यार मेरे भाई मतलब ममेरा भाई था, तो हर्षवर्धन को भाई कहेगा, ऐसे लोकल लैंग्वेज समझते हैं, भाई वो जो बहन है ना उसको जहां कैद किया गया था वहां से वो भाग गई है, भाग के विंध्य पर्वत के क्षेत्र में चली गई है। हर्षवर्धन को बेचैनी हुई कि वो करे क्या। हर्षवर्धन उठा, कहा चलो वहीं चलो जहां मेरी बहन है। तो एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम दिवाकर मित्र था, समझिएगा अच्छे समझिए, उसका नाम दिवाकर मित्र था। दिवाकर मित्र की सहायता से हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी बहन को खोज निकाला और उसको सती होने से बचा लिया। और इसी समय इसने बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक को पराजित कर दिया और इसके साम्राज्य का विस्तार बंगाल गौड़ कन्नौज ये तमाम क्षेत्रों में होने लगा, भी मैप में बताएंगे। तो जो पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर थी प्रभाकर वर्धन के समय, हर्षवर्धन ने क्या किया उस राजधानी को थानेश्वर से उठाया और थानेश्वर से उठाकर लाकर क्या कर दिया, कन्नौज। ये पहला बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां की, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित कर दी, कन्नौज। ठीक, 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया। पिता की संपत्ति बड़ा होना बात नहीं है, पिता की संपत्ति को उनके पुत्र को और बड़ा करना बड़ी बात है, नहीं तो बहुत लोग होते हैं बाप पैसे वाला है, लड़का कक्षा 6 में रहता है, क्लास 6 में पढ़ता है, वो कार चलाने लगता है, कहीं देखोगे पड़ा रहेगा वो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं किसी व्यक्तिगत को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको ये पता है कि मुझे भी वही फेम हासिल करना जो मेरे पिता ने किया था। और वही चीज हर्षवर्धन के दिमाग में थी और वो 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठते ही उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। आशा करता हूं इतनी बातें समझ में आई होंगी, इतनी बातों को लिख लेते हैं, नोट्स बनाते चलते हैं साथ साथ में, हैंड रिटन नोट्स बहुत आवश्यक है, जो हम लिखते हैं अगर आप वो लिखेंगे तो आप 4 बार मेहनत करते हैं। एक हाथ में किताब और एक हाथ में कॉपी है, दोनों पे पानी गिरता है तो पहले आप कॉपी बचाते हैं, इसलिए नहीं कि उसको पेन से लिखते हैं, इसलिए क्योंकि उस पर आप मेहनत किए रहते हैं।
और आप जिस पर मेहनत करते हैं उसको आप सुरक्षित करते हैं। तो हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं, फिर हर्षवर्धन की कहानी को चालू कर देते हैं। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक हमारे पेट सिलेबस से खत्म होगा वो टॉपिक है हर्षवर्धन। तो थोड़ा सा जो मैंने अभी आपको बताया वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं क्या था कैसे था। तो पुष्पभूति वंश है, और पुष्पभूति वंश को एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है वर्धन वंश। ठीक, कुछ लोग इसको वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। इसको ऐसे वन लाइनर में बता दे रहे हैं, इसमें कोई ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, यहां पर ज्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं। संस्थापक, इसका जो संस्थापक था वो कौन था, वो था पुष्यभूति। ठीक, इस वंश की स्थापना कहां हुई थी, मतलब स्थान कहां था। ठीक, हरियाणा में था। ठीक, या हरियाणा का करनाल जिला कह लीजिए, ऐसे हरियाणा के करनाल क्षेत्र। ठीक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन था। कौन था, प्रभाकर वर्धन। ठीक, पुष्पभूति वंश की राजधानी, पहले राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है, अभी यहीं तक समझ के रखिए, फिर हर्षवर्धन में मैं आपको लिखवा दूंगा वन लाइनर करके। राजधानी थानेश्वर। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। ठीक, ऐसे लिख देते हैं, पुत्र दो ठो थे, एक था राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन। अरे अनिल कपूर के लड़के को ना समझ लीजिएगा, हर्षवर्धन। ठीक, और एक लक्ष्मी थी, मतलब पुत्री थी, पुत्री लक्ष्मी होती है, एक पुत्री थी, उसका नाम था राजश्री। ठीक, और समझिएगा यहां पर, राजश्री का जो विवाह हुआ था, विवाह वो किस वंश के शासक से हुआ था, मौखरी वंश के शासक से हुआ था, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था गृहवर्मन। मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से किसका विवाह हुआ था, राजश्री का। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड जो था। और फिर मैंने आपको बताया कि देवगुप्त और शशांक ने क्या किया था, गृहवर्मन की हत्या कर दी थी, जिसके बाद हर्षवर्धन की जो बहन थी वो सती होने जा रही थी, और फिर राजवर्धन वहां गया, राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित किया, परंतु शशांक ने धोखे से क्या किया, हत्या कर दी किसकी, राजवर्धन की। और फिर हर्षवर्धन वहां गया और वो दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को बचाता है, और अपनी बहन को बचाने के बाद वो गद्दी पर बैठता है 16 वर्ष की आयु में, और उसकी उपाधि थी राजपुत्र, शिलादित्य की उपाधि थी। बागी भाई जाहिर से आगे चलकर ये शिलादित्य की उपाधि उसको ह्वेनसांग ने दिया था, लेकिन उसकी उपाधि और भी थी, जैसे सार्वभौमों की थी, महाराजाधिराज की थी, लेकिन जब गद्दी पर बैठा तो कहा जाता है कि इसने राजपुत्र शिलादित्य की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। तो टॉपिक क्या है हमारा, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के बारे में मैंने भी आपको क्या बताया, दो तीन बातें मैंने आपको बताई। पहली बात मैंने आपको यह बताई कि यह 16 वर्ष की आयु में क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। दूसरी बात, यह दिवाकर मित्र की सहायता से, बौद्ध भिक्षु था दिवाकर मित्र, उसकी सहायता से इसने अपनी बहन की जान बचाई जो कि विंध्य के पर्वतों में भाग गई थी। उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि इसने गौड़ वंश के शासक शशांक को क्या किया था, पराजित किया था। इन तमाम बातों के अलावा क्या है कि फिर हर्षवर्धन ने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार चालू किया। यहां देखिए, समझिए, ये देखिए, ये जो पूरा येल्लो येल्लो दिख रहा है आपको, येल्लो येल्लो डर्टी फेल्लो पियर का, ये पूरा क्या था, ये देखिए, वल्लभी। क्योंकि वल्लभी इसने क्या, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के शासक ध्रुवसेन के साथ किया था। ठीक है, तो यहां भी अधिकार था। ठीक है, कन्नौज इसकी राजधानी थी, वंश की स्थापना यहां पर देखिए हरियाणा के करनाल जिले के आसपास हुआ था, बंगाल में भी इसका अधिकार था। ठीक है, मतलब ये पूरा जो येल्लो येल्लो आप देख रहे हैं, ये पूरा किसका साम्राज्य था, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य था। आपको उतना नहीं पूछा जाएगा कि मतलब कौन कौन से वंश को कहां पराजित किया, उतना डीप नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब
कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर के स्थान पर, और उसके बाद इसने शशांक को पराजित किया और फिर अपने साम्राज्य का विस्तार चालू कर दिया। इतना साम्राज्य जब इसका बढ़ा तो मन में लालच, लालच बुरी बला है, कहीं ना कहीं तो लतियाए जाओगे, हमेशा जीते तो नहीं जाओगे। ये बढ़ा यहां से दक्षिण की तरफ, कहां बढ़ा, दक्षिण की तरफ। यहां पे देखिए चालुक्य लिखा हुआ है, यहां पे थोड़ा सा समझिए, मैं इसको भी अलग से नोट्स कराऊंगा, पहले आप यहां पे दिमाग यहां लगाइए, दिमाग कहीं और मत ले जाइए, यहां देखो, चाय मत पियो, 6 बजे यहां देखिए, यहां से बढ़ा दक्षिण भाई तरफ, सोचा कि इतना जीतते हैं रच के और जीत ले थोड़ के। इसको ये पता नहीं था कि हर बाप का बाप होता है और वो बाप सबसे बड़ा बाप होता है। यहां जब ये पहुंचा तो यहां पर क्या हुआ, शासक था वतापी का चालुक्य, वतापी का चालुक्य था, वतापी माने आंध्र प्रदेश, ठीक है। चालुक्य जो थे वो कई जगह थे, जैसे जोजर भुक्ति के चंदेल हो गए, चालुक्य भी कई जगह के थे, तो यहां पर वतापी का चालुक्य था। और ये जो वतापी का चालुक्य नरेश था, इसका नाम था पुलकेशियन द्वितीय। क्या नाम था? पुलकेशियन द्वितीय। ये हल्का फुल्का नहीं था, खुद में ये भी ताकतवर था। तो यहां पर क्या हुआ, यहीं पर जहां चालुक्य वंश की स्थापना है, यहीं पर नर्मदा घाटी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी थी, नदी में लड़ नहीं सकते थे उस समय, आईएनएस विक्रांत उक्रांत था नहीं, तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे क्या हुआ कि पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में? हर्षवर्धन के। और जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन कूट दिए गए, पराजित हो गए, आपस में लड़ते मरते रहते थे सब। एकता होती तो आज हम लोग कहीं और होते, नहीं एकता माने वो एकता नहीं, यूनिटी, यूनिटी, ठीक है। हर्षवर्धन पराजित हुआ, लेकिन हर्षवर्धन पराजित तो हो गया, हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने ही पराजित किया, इस बात की जानकारी कहां से मिलेगी? इस बात की जानकारी मिलती है कि कहां से, एहोल अभिलेख से। कहां से मिलती है? एहोल अभिलेख। और एहोल अभिलेख किसने लिखा है? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति द्वारा कृत एक अभिलेख है, जिसको हम किस नाम जानते हैं, एहोल अभिलेख, बीजापुर कर्नाटक में है। अब अगर सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया कभी, क्या पता एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा उसका मान लो घर में झगड़ा उगड़ा हो गया है, तो क्या करेगा वो, पूछेगा कि एहोल अभिलेख किसको समर्पित है, आपसे यही प्रश्न करेगा कि एहोल अभिलेख किसको समर्पित है। तो आप आंख बंद करके गांधारी बनकर हर्षवर्धन ना मार दीजिएगा, हर्षवर्धन का समर्पित है, चोंगा जैसा मुंह बनाकर आ जाएंगे नेगेटिव मार्किंग लेकर। भाई जो हारता है वो खुद के बारे में थोड़ी लिखा है कि हम यहां गए लड़े लतिया गए, अरे हम ही कहीं गए लड़ाई करने, खूब मारे गए, तो हम थोड़ी ना कहेंगे कि हमको 5 लोग मिलकर कूट दिए थे, हथो हथो मेरा खियो खियो करिया कर दिए थे, ऐसा तो कहेंगे नहीं, हम कहेंगे अरे गिर गए थे यार, चोट लग गई, गिर गए थे, ऐसे कहेंगे। अगर हम 5 लोग को कूट के आएंगे ना तो चौराहे खड़े, आज गए थे 5 लोगों को धाई के रतेड़ दिए, तो जो हां जो हारेगा थोड़ी ना लिखवाएगा कि हमारे थे। तो ये एहोल अभिलेख किसको समर्पित है दोस्तों? तो एहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय को समर्पित है। तो पूरा निष्कर्ष ये निकलता है कि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की स्थापना इतनी दूर की, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ जब वो बढ़ने का प्रयास किया तो उस समय उसको पुलकेशियन द्वितीय ने क्या किया, पराजित कर दिया। ठीक, आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसको फटाफट छाप लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग छापने में एक्सपर्ट हैं। तो कौन कौन सी बातें छापनी है? पहला पॉइंट, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष में तो क्लास 10 का इम्तिहान देते थे हम लोग, 16 वर्ष की आयु में राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि से, हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। इसी तरह क्लासों में नोट्स बनवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है, हम भी क्लास 10th और 12th पास किए हैं, कि अभी हमारा दिमाग कितना मैच्योर है। अभी तो गाइड लेके पढ़ते थे, गाइड लेके थे रट लेंगे, 10 साल का पास हो जाएंगे, गाइड वाइड का सिस्टम हटा दीजिए, अब खुद खुद के लिए गाइड बनना पड़ेगा। दूसरी बात, इसने
अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर दी। इस शंखवा कौन जानते हैं? इस शंख वही है जो बोधि वृक्ष को कटवाया था, जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था पेड़ के नीचे। हम सब पेड़ के नीचे बैठते हैं, मधुमक्खी काट लेती है, यहां समझिए। इसने शशांक की हत्या करके बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन की जान बचाई थी। ठीक, अगला पॉइंट हमने क्या कहा? नर्मदा नदी घाटी के किनारे, वतापी के चालुक्य नरेश, पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। पराजित कर दिया। लिखना चाहे तो फट से लिख लें, 5 सेकंड के अंदर में। किसको पराजित कर दिया? इनको। अब सवाल उठता है कि इस बात की जानकारी कहां मिलती है? तो पैराग्राफ वहां जगह नहीं था, अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है? तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इस बात की जानकारी रवि कीर्ति द्वारा कृत एहोल अभिलेख से मिलती है। जो पुलकेशियन द्वितीय को समर्पित है। हम लाइन लिख दे रहे हैं, सवाल पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। आए और गुड़ गोबर मत कर लीजिएगा, ठीक है? कि अरे सर हम तो हर्षवर्धन का चला, अरे मोर माई, तो अरे मोर माई कहने से वो सही नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद क्या था? हर्षवर्धन की बहुत सारी खास बातें थी। जैसे कहा जाता है कि ये मतलब प्रयाग में, प्रयागराज पावन धरती जहां पर मैं खड़ा हूं, मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं इस पावन धरती का अंश हूं। तो प्रयागराज में क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था, ठीक है? बड़ा सा सम्मेलन लगता था, समारोह लगता था, जिसमें ये दान वगैरह करता था। हर्षवर्धन के भी दान के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, ठीक है? तो ये प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने आखिरी महामोक्ष परिषद में अपने वस्त्र तक दान कर दिए थे, इतना बड़ा दानवीर बन गया। एक और खास बात मैं आपको आज यही बता देता हूं, जो प्रयाग में जो कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी, कुंभ मेला, वो हर्षवर्धन के शासन काल में हुआ। जैसे अगर हर्षवर्धन की आप डेट देखें तो ये कौन सी शताब्दी चल रही है? बहुत जने कहे होंगे 6वीं 7वीं शताब्दी है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत किस शताब्दी से मानी जाती है? तो प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत 7वीं शताब्दी से मानी जाती है, और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आदि शंकरा की मदद से प्रयाग में क्या हुआ? कुंभ मेले की शुरुआत हुई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ क्या है कि हर्षवर्धन लिखता भी था, पढ़ता लिखता भी था। 16 वर्ष में गद्दी बैठ गया, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी था। इसने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका
सॉरी, अगर मैं ये लाइन बोलूं कि इसने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे पुस्तकों की रचना की, तो ये संपूर्ण रूप से गलत हो जाएगा और आप वो गलत करके चले आएंगे। इसने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की है, जिसके कारण हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से? साहित्यकार सम्राट के नाम से। और कहा जाता है कि प्राचीन भारत का जो अंतिम महानतम हिंदू शासक था वो हर्षवर्धन था। क्लियर? तो इतनी बातों को फिर लिख लेते हैं। यह प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। ठीक, इसी के शासनकाल में आदि शंकरा की मदद से प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक, वेरी गुड। हर्षवर्धन ने नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की है। और एक बात और बता दे रहे हैं, आईएसपीसीएस वाली मत कहिएगा गुरु जी ये नाटक किसके किसके बारे में था। पेट का तैयारी कर रहे हैं, पेट छोटा बच्चा पेट लाते हैं जब हम पालते हैं, तो पेट की तैयारी कर रहा है। ठीक है, बोलने में भी कैसे लग रहा है, छोटा सा पेट। आईएएस पीसीएस बोलने में ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो बेचारे जो अभी 10 क्लास 10 और 12 पास किए ना, वो बेचारे पगला जाएंगे। वो नहीं दोस्तों, डरना नहीं। किस प्रकार अकबर 12-13 साल में सम्राट बन जाता है, हर्षवर्धन वक्त देख लीजिए 16 वर्ष में गद्दी बैठ जाता है। तो 16 वर्ष तो 13 वर्ष तो पा रहे होंगे आप लोग, डरना नहीं। हिम्मत दिल में होनी चाहिए और इस हिम्मत को अप्लाई कैसे करना, ये दिमाग में होना चाहिए। सब आपके अंदर है, आपको खोजने का प्रयास करना है। कोई आकर ऐसे नहीं कि दूध पीते बच्चे आप इसे हिलाएगा आपको, ए उठा ला हर्षवर्धन गड़र ला मरुस्थल गड़र ला हिंदी, ऐसे कोई पिलाएगा नहीं। पड़वा नहीं एक मुंह में डाल पिलाया जाएगा। आप खुद सोचिएगा कि आप कैसे विकसित कर सकते हैं अपने आप को। ये आप पहचानिए, अभी नए एज के हैं, शौर्य का समय है, जान दे देते हैं किसी के लिए, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। अरे किसी के लिए जान देने से अच्छा पढ़ाई कर लीजिए, अभी शौर्य का समय है। तो ये था हर्षवर्धन की खास बातें। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि हर्षवर्धन के दरबार में एठो यात्री आया था, चीनी बहुत खाता था, उसका नाम चीनी यात्री हो गया, मतलब चीन से आया था। ठीक है, ये जो चाइना वाले आजकल कुत्ते हैं ना, उनका कहा पता कि हम ही लोग पढ़ा लिखा के तुमको डेवलप किए हैं, भले हम खुद नहीं पढ़े लिखे। तो एक तो चीनी यात्री आया था। ठीक है, कहां गए, टकलावा यहां होगा, क्या देखो बढ़िया लग रहा है ना, कितना सामान लादा हुआ है, मोमोस वोमोज रखा होगा सब इसमें, मोमोज ढोपला उत्तू का और फ्राइड राइस चाउमीन। ठीक, बढ़िया लग रहा है, मुंह ने देखो बेचारे उदास थक गवा टहल के। तो ये जो हुएनसांग नाम था इसका, ये जो चीनी यात्री आया था इसका नाम था हुएनसांग। देखिए ये सब शब्दों का प्रयोग मैं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, याद आ जाए, कोई अन्यथा दिल पे मत लीजिएगा कि सर हुएनसांग मेरा आदर्श था आपने उसको ऐसे कह दिया। नहीं,
ठीक है, अच्छा आदमी था, मैं कह रहा हूँ प्यारा आदमी था, क्यूट सा था, कुछ कुछ। यहाँ देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था चीनी यात्री कौन? ह्वेनसांग। ये आया था बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के लिए और महायान संप्रदाय को मानता था। तो बौद्ध धर्म की जो पढ़ाई होती थी महायान संप्रदाय क्यों नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी? ठीक। तो ये जब नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो वहां पर जो समय गुरु थे उनका नाम था शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की खास बात कहा कि जैसे कि यहां पर जब इंट्रेंस होता था, जैसे अभी इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है ना कि पेट क्वालिफाई करोगे तभी एग्जाम दे पाओगे, वो बहुत पहले से चला आ रहा है हमारे यहां, राजा महाराजा के समय भी इंट्रेंस होता था। तो इसने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इंट्रेंस का एग्जाम होता था, उनमें से केवल 10% पास करते थे और उनको चिकित्सा शास्त्र जरूर आना चाहिए। बढ़िया है भाई, हम तो पेट का समर्थन कर दिए। अब तो कहेंगे भाई अब यार ह्वेनसांग होंगे, पहले जमाने में राजा अगर इंट्रेंस का एग्जाम दे रहे तो आजकल तो आदमी तो पता ही एंट्रेंस देना है, हर चंगा एंट्रेंस देना है, गेट में घुसना तब वो एंट्रेंस पढ़ना है। तो ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी क्या की? पढ़ाई की। 15 वर्ष तक था वो। कहा जाता है कि पांचवी बौद्ध संगीति को कोई लोग कहते हैं, क्रेडिट देते हैं कि पांचवी बौद्ध संगीति जो महायान संप्रदाय के तहत हुई हर्षवर्धन के शासनकाल में, उसमें कई सारे विवाद चल रहे हैं, वो भी इसी का अध्यक्षता ह्वेनसांग ने किया था। इसी खास बात क्या है कि जब ही भारत आया और भारत से गया तो इसने कुछ लिखा होगा कि भैया हम यहां गए थे, वो हम लिखे हैं तो किताब में, तो किताब का नाम था सीयू की। ठीक, यही लिख दे, क्या यही लिख देते हैं। ठीक, ऐसे लिख देते हैं, समझ में आएगा। और आप लोग, अब आप लोग ये कहेंगे ना सर याद कैसे होगा, हम बताते हैं कैसे याद होगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक, इसने अपनी पढ़ाई, इसने अपनी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय में की थी। ठीक, इसने सी यू कीफ नामक पुस्तक की रचना की थी। हाँ, सवाल था कि सर हम याद कैसे करेंगे? याद गाना जैसे कान में हेडफोन लगाते हैं, गाना सुनते रहते हैं ना, इस कदर तुमसे प्यार हो गया, ऐसे जैसे गाना गाते हैं ना, आप गाना कैसे याद कर लेते हैं? गाना, ठीक है, गाना याद कर लेते हैं ना, मस्त नजरों से जिनका पड़ा, ऐसे याद हो जाता है आप गाना कैसे? क्यों हो जाता है? क्योंकि गनवा को आप बार बार सुनते हैं कनवम लगाकर और उसको दिमाग से सुनते हैं, और पढ़ाई जब करते हैं, अरे मुरी माई को पढ़ाई पहले ही आप पढ़ाई से नफरत कर बैठते हैं, कपार पे हाथ रख के, अरे बाप रे पढ़ना है क्या, तो ये कैसे तुमसे प्यार करेगा? नहीं, इससे क्या करो प्यार करके, मतलब पढ़ाई कैसे तुमसे प्यार करेगा? फिर इसको भी वैसे ही सुना करिए जैसे सुनते हैं आप, ठीक है, वही जिस दिन भुला दूं वैसे इसको सुनिएगा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, हां से ह्वेनसांग, हां से हर्षवर्धन आया था। इसका नाम भी था ह्वेनसांग का, इसको युआन च्वांग वास्तविक नाम, जैसे हमारे यहां टोनू मोनू सोनू तमाम नाम गांव में और होते हैं, युआन च्वांग शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। तो इसका अगला पॉइंट क्या है, इसे हम युआन च्वांग च्वांग शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक, ये था खास आदमी जो हर्षवर्धन के दरबार में आए।
इसके बाद क्या था कि हर्षवर्धन के दरबार में बहुत सारे विद्वान निवास करते थे, और उसमें से जो एक महत्वपूर्ण विद्वान था वो था बाण लेकर भट्ट, आलिया भट्ट, नहीं आलिया भट्ट से कोई रिलेशन नहीं है, बाण भट्ट थे, बाण भट्ट। ठीक, पहले के लोग यार उपरा छिला लेते थे, पिछुआ चोटी रखते थे, आजकल के लोग साइडवा में छिला के उपरा चोटी रखते हैं, समय बदल सकता है। अब देखो छिला के पीछे चोटी रखे माने पंडित, मतलब विद्वान, पंडित मानी धर्म कास्ट नहीं बोल रहा हूं, मतलब पढ़ा लिखा विद्वान, और हमारी तरह जो किनारे छिलवा के ऊपर रख लिया मान लो फड़, समय समय की बात है। ठीक, यह बाण भट्ट, ठीक बाण भट्ट भी हर्षवर्धन के दरबार में निवास करता था। बाण भट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक नामक पुस्तक की रचना की। अभी इन दो पुस्तकों के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पुष्पभूति वंश की राजधानी हर्षचरित और कादंबरी से, और एक तो है मंजूश्री मूलकल्प पुस्तक थी उससे मिलती है। तो इसने क्या है, बाण भट्ट जो थे इन्होंने, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे तो इन्होंने कादंबरी, चंडी शतक और किसकी रचना की थी, हर्षचरित की। इसके साथ साथ एक और विद्वान थे, वो थे, उनका नाम था मयूर। तो जो कुष्ठ रोग जिनको हो जाता है, तो कुष्ठ रोग से जुड़े हुए उपचार का इलाज करने के लिए उन्होंने मयूर शतक नामक पुस्तक की रचना की, जो मयूर थे। इसके साथ साथ हरिदत्त और जयसेन जो थे वो भी हर्षवर्धन के दरबार में निवास करते थे। तो ये कौन है, ये भाई साहब है बाण भट्ट, यहां ले देता हूं, बाण भट्ट स्मार्ट लग रहा है, यहां देखिए, हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट निवास करते थे। जिन्होंने हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक पुस्तक की रचना की। बाण भट्ट के अलावा, बाण भट्ट के अलावा हरिदत्त, जयसेन और मयूर, इन्होंने जो पुस्तक लिखा है मयूर शतक या सूर्य शतक, ये कुष्ठ रोग से उपचार के, मतलब कुष्ठ रोग जिनको हो जाता है उससे उपचार कैसे करना, वो समझते हैं, और मयूर निवास करते थे। ठीक है, मयूर निवास करते थे। ठीक, ये थे विद्वान, यात्री और हर्षवर्धन की खास बात। इसके साथ साथ नालंदा और सोनीपत से बाण भट्ट के सिक्के पाए गए तांबे के, सॉरी हर्षवर्धन के सिक्के पाए गए तांबे के। भाई हर्षवर्धन राजा था तो उसके और भी साक्ष्य मिलने चाहिए, तो वो साक्ष्य कहां से मिलते हैं, उसके सिक्कों से। ये हर्षवर्धन के जो सिक्के हैं, ये जो सिक्के हैं ये कहां से पाए गए, तो देखते ही सिक्का लग रहा है, उस सिक्का का लिखें, इसके जो सिक्के हैं वो सोनीपत और नालंदा से पाए गए। कहां से, नालंदा से पाए गए। इसके सिक्कों पर क्या है कि जो शंकर भगवान की सवारी होती है नंदी बैल, उसका चित्र मिलता है, और सिक्कों पर श्री हर्ष लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ इसने महेश्वर, सर्वभौम और महाराजाधिराज की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। तो इसके सिक्कों पर नंदी का चित्र और श्री हर्ष लिखा मिलता है। ये तांबे के सिक्के थे, याद रखिएगा,
तांबे का था, तांबे का, ठीक, तो किसका था, तांबे का सिक्का। ये सब सिक्का आजकल मिल जाए तो करोड़ों बिकेगा, लेकिन मिलवे नहीं करता है, मिलता है सब रख लेते हैं। उसके साथ साथ जो हर्षवर्धन की और उपाधियां थी वो थी महेश्वर, सर्वभौम और महाराजाधिराज। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या, हर्षवर्धन। क्या था पूरा का पूरा, ये क्या रहा आपका, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के सिक्के, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए यात्री, हर्षवर्धन के दरबार में निवास करने वाले विद्वान, हर्षवर्धन किसको हराया, किससे पराजित किया। अब मजा तब आएगा, आप 50 मिनट पढ़े टॉपिक, ठीक, अब आप प्रैक्टिस का सोच रहे होंगे, तो हम प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं इसी समय आपको। टॉपिक खत्म होते ही अगर प्रैक्टिस मिल जाए तो कितना मजे की बात है, बाकी सब प्रैक्टिस चलता रहता है। तो आज हम ऐसा हर्षवर्धन आपको पढ़ा देंगे, पढ़ा तो दिए ही, ऐसा क्वेश्चन करा देंगे कि पेट में बाहर नहीं जाने वाला प्रश्न। अब लोग कुछ भी कमेंट करें कि सर पेपर बना रहे हैं, कि सर ऐसे वैसे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं जो प्रश्न बताता हूं अवश्य वो आते हैं। ये सबूत बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ के एग्जाम दिए हुए हैं, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जो ऐसा कहते हैं मेरे बारे में। तो प्रश्न की बात किया जाए, 10 प्रश्न है, हम हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड देंगे सोचने के लिए, ठीक है, सोचने के लिए, ताकि आप उत्तर दें, बाकी उत्तर वह तो हम बतौबे करेंगे। चलिए, हमारा तो काम है उत्तर बताना, लेकिन आपको, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, और कमेंट में हम आपका आंसर चाहते हैं, मेरे आंसर देने के पहले आंसर आ जाना चाहिए। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, थानेश्वर, वल्लभी, कन्नौज, पाटलिपुत्र। 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड। क्या थी, कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज को। थानेश्वर पुष्यभूति वंश की राजधानी थी हर्षवर्धन के पहले, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, निम्न में से कौन सा विद्वान हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था, बाणभट्ट, मयूर, सुश्रुत, हरिदत्त। 5 सेकंड दे रहा हूं, फट से बताइए। बिल्कुल सही, सुश्रुत। सुश्रुत जो थे ये गुप्त काल के थे, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य अर्थात सर्जरी का क्या किया था, विकास किया था। आइए तीसरे पर चलते हैं, ऐसे नोट्स में लिख लीजिएगा। बहुत लोग तो पढ़ेंगे, पढ़े के बाद कपार खजवाएंगे, खाना वाना खा के सो जाएंगे, लेकिन जो वाकई पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ने के बाद इन प्रश्नों को भी लिखेंगे। लिखिया करिए, हम खुद लिखते हैं। हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन कहां करवाता था, कन्नौज, प्रयाग, थानेश्वर, बंगाल। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। प्रयाग में कराता था, कहां पर, प्रयाग में। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। एहोल अभिलेख किसको समर्पित है, एहोल अभिलेख किसको समर्पित है, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय, अशोक। 5 सेकंड, कमेंट हम देखेंगे, जो कमेंट अच्छे से देगा उसको हम पुरस्कार देंगे। पुलकेशिन द्वितीय। अगले प्रश्न चलते हैं। हर्षवर्धन की बहन का विवाह किस वंश के शासक के साथ हुआ था, वर्धन वंश, मौखरी वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश। 5 सेकंड, टिक 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 टिक, मौखरी वंश, गृहवर्मन के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ह्वेनसांग किस शताब्दी में भारत आया था, ह्वेनसांग किस शताब्दी में भारत आया था, चीनी यात्री। बिल्कुल सही, 7वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में, 7वीं। आइए, प्रयाग में कुंभ मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक। किसके शासनकाल में हुई, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग ने अपनी पढ़ाई कहां की थी, वल्लभी विश्वविद्यालय, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। ठीक, वल्लभी विश्वविद्यालय में किसकी पढ़ाई होती थी, हीनयान की। ठीक है, नालंदा में महायान की।
ठीक, विक्रमशिला में वज्रयान की, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। क्या था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय। तो कहां पढ़ाई किया था उसने? नालंदा विश्वविद्यालय में। आइए, बाणभट्ट की कौन सी रचना नहीं है? बाणभट्ट की कौन सी रचना या कौन सी रचना नहीं की थी? सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। चंडी शतक, कादंबरी, मयूर शतक, हर्षचरित। बिल्कुल सही, मयूर शतक। इसका किसने किया था? मयूर ने किया था। आज का आखिरी सवाल, पुष्पभूति वंश की राजधानी निम्न में से कौन सी पुस्तक से नहीं मिलती है? सॉरी, पुष्पभूति वंश की राजधानी नहीं, क्या लिख दिए, जानकारी, सॉरी, पुष्पभूति वंश की जानकारी निम्न में से कौन सी पुस्तक से नहीं मिलती है? आर मंजू श्री मूल कल्प, हर्षचरित, कादंबरी, मुद्रा राक्षस। फट से बताइए। बिल्कुल सही, कहां से नहीं मिलती है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है और संस्कृत भाषा में लिखा गया। यह पहला जासूसी ग्रंथ। आज की क्लास में इतना ही। आज आपके पिट का एक टॉपिक संपूर्ण खत्म हो गया विथ प्रैक्टिस। वो टॉपिक था हर्षवर्धन, पूरा खत्म हो गया। इसके बाहर से कोई प्रश्न नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक बात कहता हूं, बहुत ही सुनहरा मौका है जो लोग क्लास 10th और 12th प्रमोट हुए उनके लिए। जो आपको यह डर था कि हम 10वीं या 12वीं में, जिनको भी यह डर रहा हो, बुरा मत मानिएगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा एक साल बर्बाद होगा, उस डर को निकालकर, वही डर को निकालिए और अब दूसरे डर को बरकरार करिए, यार अगर अच्छे से पढ़ लूं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो एक साल फिर मुझे नौकरी के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा, आप मेहनत ज्यादा करेंगे। बायोएंसी फोर्स, जिसको जितना दबाव उतनी तेज ऊपर आता है। तो इसीलिए अच्छे से मेहनत करिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, जहां भी रहिएगा स्वस्थ रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। हमारी मुलाकात फिर किसी दिन किसी टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस आ जाऊंगा और विद इमेज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हां, प्लीज ख्याल रखिएगा।